गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। हम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा है कि कैसे डाटा मेमोरी में स्टोर होता है, वेरियस टेक्निक्स टू स्टोर डाटा इन द मेमोरी, ठीक है जी। अब हमने पढ़ा कि हमने दो तरीके की चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ी फिक्स्ड पार्टीशन, फिर हमने पढ़ी वेरिएबल पार्टीशनिंग, ठीक है। फिक्स पार्टीशनिंग में चीज़ें फिक्स रहती हैं, दोबारा हम मेमोरी एक और ऐड नहीं कर सकते। वेरिएबल में हमने पढ़ा कि चीज़ें हम डायनामिकली होती हैं, कि जैसे जैसे चीज़ें आती रहती हैं और मेमोरी में उसी तरह से मेमोरी अपनी वो अपनी जगह बनाती रहती है और डाटा जो होता है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं, हमारे पास तीन तरह के एल्गोज होते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एल्गो, दैट इज बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट। सपोज करो एक प्रोसेस है मेरा, ठीक है, जो है 4 MB का है। प्रोसेस है जो है P1 प्रोसेस आया है, दैट इज ऑफ 4 MB, ठीक है। पहले हम देखते हैं फर्स्ट फिट क्या होता है। फर्स्ट फिट क्या होता है? फर्स्ट फिट होता है कि जहां भी हमने, मैंने आपको कल बताया था कि जो भी पार्ट वेरिएबल में जहां भी एम्प्टी स्पेस होती है, कि सपोज इस प्रोसेस का यहाँ पे कोई प्रोसेस होगा, उसका काम खत्म हो गया, उसने मेमोरी क्या कर दी रिलीज, और उस एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं, होल्स। जैसे एक ये होल है, एक ये होल है हमारे पास, और एक ये होल है हमारे पास। यहाँ पे 3 होल्स हैं, जिसको हम इंटरनल फ्रेगमेंट, जिसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फिट में क्या होता है? फर्स्ट फिट में देखेगा कि जैसे कोई सपोज कोई भी पी प्रोसेस आया है, सपोज P1 कोई प्रोसेस आया है, यहाँ पे देखेगा कि वो क्या देखेगा, सबसे पहली एम्प्टी स्पेस कौन सी है। सबसे पहली एम्प्टी स्पेस जो भी होगी वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सपोज अगर ये है हमारे पास 5 MB का, सपोज ये है मेरे पास 5 MB का, तो जो प्रोसेस है वो 5 MB होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, कम हो जाए चलेगा। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोसेस P1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो मेरी जगह है 1 MB की, वो लेफ्ट कर जाएगी, मतलब लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। मतलब P1 जो प्रोसेस है उसको जो पहली स्पेस मिलेगी उसको वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, उसको कहते हैं हम फर्स्ट फिट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में क्या होता है? बेस्ट फिट में जहां भी लास्ट एंट्री ऑफ होल का मतलब क्या होता है कि जो पहले हमने देखा कि P1 प्रोसेस आया वो यहाँ पे आके स्टोर हो गया, तो पॉइंटर क्या होगा हमारा, मेरा पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, इस लास्ट होल को। जहां पे भी एक प्रोसेस जो लास्ट होल में स्टोर हुआ होगा, पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा, ताकि बेस्ट फर्स्ट फिट हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, लास्ट लोकेशन ऑफ द, या लास्ट लोकेशन ऑफ द होल, ठीक है, जो लास्ट होल होगा जिसमें हमने रिसेंटली जो फिल किया होगा उसके बाद ये पॉइंटर सेट होगा, ठीक है जी। अब सपोज P2 आया है प्रोसेस, P2 का साइज है हमारे पास 6 MB, P2 का साइज है हमारे पास 6 MB, और ये हमारे पास है 8 MB का, ठीक है। अब लास्ट देखो, ये पॉइंटर क्या था, लास्ट होल क्या था हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये तो ऑलरेडी फिल था तो इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे। हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस कौन कौन सी, ये थी और ये है, ये तो P1 ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, अगर हमारा एल्गो बेस्ट फिट का है तो वो क्या करेगा, जो लास्ट पॉइंटर होगा उसकी कोई नेक्स्ट लोकेशन देखेगा, उसके कोई नेक्स्ट कंटिजियस लोकेशन देखेगा कि नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस कौन सी है। मतलब वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेगा। ये बेस्ट फिट एक इसका एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन ऑफ फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट एल्गोरिदम इज एडवांस वर्जन ऑफ फर्स्ट फिट, क्योंकि बेस्ट फिट कभी भी स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करता है। वो कहाँ से स्टार्ट करता है? लास्ट लोकेशन ऑफ द, ठीक है, लास्ट लोकेशन ऑफ द होल, लास्ट जो भी होल फिल हुआ होगा उससे स्टार्ट करता है। पॉइंटर लास्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है P1 पे, ठीक है। अब बेस्ट फिट है तो मुझे ये प्रोसेस स्टोर करना है, वो देखेगा अब इसके बाद नेक्स्ट स्पेस कौन सी फ्री है, ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, नेक्स्ट स्पेस ये फ्री है, तो P2 क्या होगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 6 MB का प्रोसेस यहाँ पे आ सकता है क्योंकि ये जगह क्या है हमारी, 8 MB की, ठीक है जी, समझ आया। सपोज करो
उसके बाद आता है हमारे पास वर्स्ट फिट। अब वर्स्ट फिट में क्या होता है, ऑब्वियस बात है वर्स्ट फिट में क्या होता है वर्स्ट फिट में क्या होता है, बेस्ट फिट का एक और चीज बता देती हूँ। बेस्ट फिट का मतलब होता है कि बेस्ट फिट, बेस्ट फिट मतलब कि जैसे ये 8 MB है, सपोज करो ये 4 MB का है, सपोज करो ये 4 MB का है, सपोज ठीक है ये 4 MB का। अभी मैंने P2 नहीं डाला है। वर्स्ट फिट का एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो बेस्ट फिट जो है वो लास्ट लोकेशन ऑफ होल से स्टार्ट करेगा, वो प्रॉपर ऊपर से चेक नहीं करेगा और वो पूरी की पूरी मेमोरी चेक करेगा। वो क्या करेगा, पूरी की पूरी मेमोरी चेक करेगा, ठीक है। ये इसको मैं बना लेती हूँ 7 MB, इसको मैं बना लेती हूँ 7 MB का, ठीक है इसको मैं बना लेती हूँ 7 MB का। मेरे पास लास्ट जो एम्प्टी लोकेशंस है, एक ये है 8 MB की, एक है 7 MB की। प्रोसेस मेरे पास है P2 6 MB का, ठीक है। और बेस्ट फिट क्या होता है, जो वो लास्ट होल से स्टार्ट करेगा, वो स्टार्टिंग से मेमोरी को ट्रेस नहीं करेगा, वो वहां से स्टार्ट करेगा जहां से होल की लास्ट फिलिंग हुई थी, ठीक है। अब वो पूरी की पूरी यहां से लेगी, यहां से स्टार्ट करेगा और वो पूरी की पूरी मेमोरी चेक करेगा, पूरी की पूरी मेमोरी ट्रेस करेगा और देखेगा कि बेस्ट फिट कौन सा होगा। उसको एक ये जगह मिली, फिर उसने देखा ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, फिर उसने देखा एक ये खाली है, फिर क्या चेक करेगा, फिर वो साइजेस चेक करेगा, ये देखेगा कि ये 8 MB का है और ये 7 MB का है। तो इन दोनों में से वो कंपैरिजन करेगा कि जो मेरा प्रोसेस है इन दोनों में से किस में फिल होना चाहिए। तो वो जब कंपेयर करेगा तो वो देखेगा कि 7 MB का जो पार्टीशन है इस पे मेरा प्रोसेस जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 MB आता है तो यहाँ पे ओनली 1 MB फ्री बचेगा, वेस्ट होगा। अगर यहाँ पे 6 MB फिल होता है तो यहाँ पे 2 MB का स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। बेस्ट फिट का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बेस्ट फिट सबसे पहले क्या करेगा, वहां से स्टार्ट होगा जहां से लास्ट जो होल है वो फिल हुआ है। लास्ट होल मेरा जो फिल है वो ये है, वो यहां से स्टार्ट करेगा, पूरे ऊपर से स्टार्ट नहीं करेगा और वो पूरी की पूरी मेमोरी चेक करेगा, पूरी की पूरी मेमोरी के जो खाली स्पेसेस है चेक करेगा, फिर उस मेमोरी के साइजेस को आपस में कंपेयर करेगा, फिर उस प्रोसेस के हिसाब से, उस प्रोसेस के साइज के हिसाब से मेमोरी साइज को कंपेयर करेगा, जिसका जिसका साइज उसके आसपास आएगा वो उस जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे 6 MB का प्रोसेस है, 8 में भी स्टोर हो सकता है, 7 में भी स्टोर हो सकता है, पर 8 में स्टोर हो जाएगा तो 2 MB की जगह वेस्ट हो जाएगी और अगर 7 में होता है तो 1 MB की जगह ही खाली वेस्ट होगी। तो हम लेस से लेस वेस्टेज करवाना चाहते हैं ना, लेस से लेस वेस्टेज हो, इस वजह से ये भी जो मेरा प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वर्स्ट फिट एक ऐसा एल्गोरिदम है कि वर्स्ट फिट कोई भी जगह खाली ना मिले। वर्स्ट फिट क्या होता है कि मेमोरी में प्रोसेस के लिए कोई जगह ही खाली ना मिले, या तो जगह ना खाली मिले, ठीक है, एक चीज हो सकता है, या तो मेमोरी पूरी की पूरी पूरी की पूरी पूरी की पूरी फिल है, या तो एक जगह खाली है, कोई जगह खाली है। प्रोसेस सपोज मेरा कोई प्रोसेस आया वो 8 MB का है और जगह मेरे पास जो खाली है वो 5 MB का है। दिस इज द वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट के दो केसेस होते हैं, या तो मेमोरी में कोई कोई भी जगह खाली नहीं है, सारे के सारी मेमोरी फिल है, एक तो ये वर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस, दूसरा क्या हो सकता है, जगह तो खाली है पर वो प्रोसेस के साइज के साथ मैच नहीं कर रही है। बड़ा होता है सेम होता तब भी फिट हो जाता, बट ना बड़ा है ना छोटा है उससे कम है। प्रोसेस का साइज 8 MB का है और पार्टीशन कितनी है 5 MB की, तो प्रोसेस तो स्टोर हो नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड अ वर्स्ट फिट केस। ये हमारे पास 3 केसेस हो गए, बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट, ठीक है जी। ये हमारे 3 एल्गोस होते हैं जिसके बेसिस पे हमारी मेमोरी जो है, जो मेमोरी में जो स्पेसेस बच जाती हैं स्पेशली वेरिएबल, ये यूज एल्गोस होते हैं वेरिएबल पार्टीशनिंग में, वेरिएबल में जो फिक्स मतलब जो डायनेमिक पार्टीशन होती है उसमें ये 3 एल्गोस यूज होते हैं, जहां पे जो खाली स्पेसेस बच जाती हैं वहां पे हम चीजों को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं ना, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जहां होते हैं उसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, खाली स्पेसेस में चीजें ऑक्यूपाई करवा देते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें जो होती हैं यूज इन डायनेमिक पार्टीशन में ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछिएगा जरूर, ठीक है। मस्ट वॉच इट, अगेन वॉच इट, इफ यू फाउंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू सो मच।